हेलो एवरीवन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आगामी परीक्षाएं कब कराई जाएंगी, एग्जाम कैलेंडर 2024 के लिए कब जारी किया जाएगा, यूपीपीसीएस के री एग्जाम को लेकर के आरओआरओ का री एग्जाम को लेकर के डेट कब तक आ जाएगी, ये सारे सवाल जो हैं आप सभी के द्वारा लगातार किए जाते रहे हैं। आयोग की वर्तमान समय में स्थिति क्या है, क्या काम यहाँ पे आयोग में चल रहा है और आगामी ये परीक्षाएं कब तक होने की संभावनाएं हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के आज के सेशन में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके यहाँ पर इन सारे मुद्दों को यहाँ पर समझते हैं और आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है आगे किस तरीके से आप करने वाले हैं, आप कैसे हम यहाँ पर आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में कैसे हेल्प करने वाले हैं, कुछ यहाँ पर प्रोग्राम भी आप सभी के लिए प्रीलिम्स को लेकर ध्यान में स्टार्ट भी करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ों से पहले हम आज इन मुद्दों को यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आते हैं यूपीपीएससी के कैलेंडर को लेकर के कि यहाँ पर इसे जारी कब तक किया जाएगा। देखिए यहाँ पर इस पर काम चल रहा है आयोग के द्वारा। जो है स्थिति जो आयोग की ये है कि कई सारी समस्याएं हैं अभी आयोग के समक्ष। एक तरफ यहाँ पे देखिए लोकसभा का चुनाव चल रहा है, दो एग्जाम कैंसिल हुए जिसमें आपका पेपर लीक के मामले सामने आए और किसी न किसी एक दबाव के कारण एक पेपर आपको कैंसिल करना पड़ा, फिर लोकसभा चुनाव के कारण भी आपको कई सारे एग्जाम यहाँ पे कैंसिल करने पड़े। यानी कि यूपीपीएससी के द्वारा जो पहले फर्स्ट हाफ में जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाने थे उसमें मैक्सिमम जो एग्जाम है वो किसी न किसी कारण से कंडक्ट नहीं हुए हैं, इसलिए काफ़ी सारे जो एग्जाम हैं आने वाले मंथ में यहाँ पर होने हैं, लोकसभा चुनाव के पश्चात यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो यहां पर ये सारी चीजें कराई कैसे जाएं, इसके लिए जो सबसे पहला जो मुद्दा है कि यहां पे कैलेंडर बनाया जाए, उस कैलेंडर में यहां पर जो आगामी परीक्षाएं जो रद्द हुई हैं वो भी और जो एग्जाम कंडक्ट होने थे जो आपके पहले कैलेंडर जारी हुआ था उनकी भी डिटेलिंग वहां पर होनी चाहिए। तो यहां पे जो संभावना है, देखिए आपने देखा होगा यूपीपीएससी का जो पहले का कैलेंडर था, उस पहले के कैलेंडर में हम देखें तो जो डेटे हैं वो आपको जून में है, ठीक है, कुछ यहां पर आपको जून से स्टार्ट हो जाते हैं, जुलाई में भी हैं, अगस्त में भी, सितंबर में, कुछ आपने रिजर्व डेटें देखे, आरक्षित डेट यहाँ पर देख रखी हैं, उन्हीं आरक्षित डेट में यहाँ पर ये जो कैलेंडर बनाया जाएगा उन्हीं आरक्षित डेटों में ये कैलेंडर आपको तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्दी इस पर काम भी शुरू हो चुका है, जो बात अभी तक पता चली है यहाँ पर कि कैलेंडर अभी आयोग लगातार इस पर काम कर रहा है। सबसे पहला काम यहाँ पर वो कैलेंडर ही जारी करेंगे और उसके बाद ही यहाँ पर आपको बाकी सारी जो एग्ज़ाम की डेट्स हैं वो यहाँ पर कन्फर्म होंगी। एग्ज़ाम की डेट्स पर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए अब समस्याएं क्या हैं, समस्याएं हैं आयोग के समय जो स्थिति है, देखिए आपको जून जुलाई की स्थिति है, जून में आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम उससे पहले यहां पर होने की संभावना नहीं है। जुलाई में जो एग्ज़ाम यहां पे कंडक्ट कराए जाने हैं उसमें भी हमने देखा था कि पीसीएस के और आरओआरओ के जो मेंस के एग्ज़ाम होने थे उनकी डेट ऑलरेडी थी, तो हो सकता है एग्ज़ाम वहाँ पर आपको कराया जाए। लेकिन एक समस्या जो अभी भी निकल के आ रही कि एग्ज़ाम को अलॉटमेंट के साथ एग्ज़ाम सेंटर्स को भी अलॉट करना और जो समस्याएं आई हैं, देखिए पेपर लीक हुआ है उस समस्या से निपटने के लिए एग्ज़ाम सेंटर को ब्लैकलिस्टेड करना, सभी सेंटर्स को जो वेरीफाइड करना और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अलॉटमेंट करना, उसमें भी अभी आयोग के सामने समक्ष समस्याएं आने वाली हैं। तो ये भी सुनने में आ रहा है जो अभी तक आयोग की तरफ से कि एग्ज़ाम कैलेंडर बनाने के साथ साथ कि एग्ज़ाम सेंटर के अलॉटमेंट में और उसके कारण यहाँ पे देरी होने की संभावनाएं हैं और हो सकता है एग्ज़ाम जो है जो एक संभावित अभी तक डेट की हम बात करें, चाहे वो यूपीपीसीएस की बात हो और चाहे आरओआरओ की बात हो, ये दोनों ही एग्ज़ाम आपको लेट हो सकते हैं। संभावना क्या है, देखिए जुलाई में, जून में तो एग्ज़ाम होना नहीं है, संभावना आपकी जुलाई की है। यदि आयोग यहाँ पे जो समक्ष वर्तमान समय में समस्याएं हैं उसे वो निपटा लेते हैं तो जुलाई में संभावना हो सकती है, अगर नहीं हो पाता है तो ये आपको लेट होकर के एग्ज़ाम जो है अगस्त में भी जा सकते हैं, सितंबर में जा सकते हैं। यानी कि जो एग्ज़ाम आपको कंडक्ट होते हैं या तो जुलाई आपको पहला मंथ है और जो अगर एग्ज़ाम सेंटर और बाकी जो धांधली की समस्याएं हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो सारी चीज़ें वहां पे कंडक्ट कराएं उसको अकॉर्डिंग वहां पर काम हो गया, तो नहीं हुआ तो कम से कम एक महीना और यहां पर आपको लेट हो सकता है और एग्ज़ाम जो होता है जुलाई के बजाय अगस्त सितंबर भी जा सकता है। फिलहाल ये अभी तक संभावनाएं हैं, आयोग जो है लगातार इस पर काम कर रहा है, सबसे पहला वो कैलेंडर ही बनाने वाले हैं और कैलेंडर जैसे ही बन जाएगा तो हमारे पास डेट फिलहाल यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगी। अभी डेट किसी भी एग्ज़ाम की कंफर्म नहीं है, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि कंफर्म नहीं है, कोई भी डेट यहाँ पर कंफर्म नहीं है। तो इसलिए अभी आपको जो समस्या है सबसे पहले कि सभी अभ्यर्थियों के समय समय आयोग को सबसे पहले इसीलिए पहला काम जो करना है कि कैलेंडर जारी किया जाए ताकि सभी अभ्यर्थियों को ये एक टाइम मिले, एक डेट यहाँ पे मिल जाए कि उसके पास कितना टाइम है रिवीजन करने का, उसको अकॉर्डिंग यहाँ पे किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए, आरओ का एग्ज़ाम पहले होना है या पीसीएस का पहले कंडक्ट कराया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें जो समस्याएँ हैं वो चीज़ें यहाँ पर आपको स्पष्ट हो जाएंगी। और इन दोनों एग्ज़ाम को लेकर री एग्ज़ाम जो डेट है आप मान के चलिए ये 3 महीने अभी
स्लॉट में है, यहाँ पर आपको जुलाई में हो सकता है, और अगर आयोग सभी चीज़ों को निपटा लेता है तो, नहीं तो अगस्त सितंबर तक एग्ज़ाम होगा। दूसरी चीज़, जो बाकी जो अदर यहाँ पर आपके एग्ज़ाम हैं, चाहे वो बीओ को लेकर भी देखिए, एग्जाम वैकेंसी जो है वो भी बहुत जल्दी आपको आएंगे, उसके बारे में भी यहाँ पे आयोग इसके बारे में क्लियर करने वाला है। एलटी पीसीएस जेके जो एग्ज़ाम है, और बाकी जो अन्य एग्ज़ाम यहाँ पर आयोग के द्वारा कैंसिल किए गए हैं, उनको लेकर भी अपडेट यही है फिलहाल की। कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सारे एग्ज़ाम जो होंगे वो आपको जुलाई से लेकर के दिसंबर तक में यहाँ पर आपको कंडक्ट करा लिए जाएंगे सारे के सारे एग्ज़ाम यहाँ पर। लेकिन हाँ, इनकी डेट्स क्या होगी, कब तक आएगी और बाकी सारी चीज़ों में आपको बहुत जल्दी हो सकता है कैलेंडर जो है सबसे पहले यहाँ पर आयोग जारी करेगा, और कैलेंडर हो सकता है आपको जल्दी ही आ जाए, तो उसको लेकर वेट करना है। लेकिन फ़िलहाल अभी आपकी जो तैयारी है उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन जो है, जो बच्चे इस एग्ज़ाम को लेकर के तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, देखिए रिविज़न ही करना है। जो बच्चे पहले भी यहाँ पे एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं, आपको कट ऑफ आपको आ चुकी है। पिछले साल के एग्ज़ाम में हमने देखा किस तरीके की कट ऑफ आई, ठीक है, चाहे हर वर्ग के हिसाब से कट ऑफ कितनी गई है। अब आपको प्रिपरेशन देखिए, जनरल वर्ग की कैटेगरी आपको जो कट ऑफ गई है प्रीलिम्स के 125 तक गई है, आपकी प्रिपरेशन भी देखे जाए इस लेवल पर होनी चाहिए। आपको 125 गए तो आपको 130 तक का टारगेट करना होगा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को भी लेकर आगे बढ़ना होगा। जीएस पर फोकस करना है, सीसेट की तैयारी को भी इंपॉर्टेंस यहाँ पर देनी है, करंट अफेयर्स को भी पढ़ना है, और उत्तर प्रदेश स्पेशल की जानकारी भी होनी है। तो रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। कैलेंडर देखिए, कहने ना जो चीज़ कंट्रोल की जा सकती है उस पर आप फोकस करिए, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है आप उनके बारे में सोचिए। आप कंट्रोल क्या कर सकते हैं, अपनी स्टडी को, आप पढ़ाई को, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। आप यहाँ पे एग्ज़ाम कैलेंडर, एग्ज़ाम डेट को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो काम आयोग का है, उसे हम आयोग पर छोड़ते हैं। फिलहाल अपडेशन यही है कि बहुत जल्दी आपका कैलेंडर आने वाला है, आयोग लगातार इस पर काम कर रहा है, डेट आपको आने वाली है, और जो संभावित समस्याएं, जो स्थिति है फिलहाल तक की, वो आपके समक्ष मैंने रख दी है। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं आपके समक्ष यहाँ पर रहूँगा, सारी जानकारी आप तक प्रोवाइड कराएंगे, साथ साथ आपके साथ मिलकर स्टडी भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीक से हम यहाँ पर कुछ आपको रिवीजन पर्पस से चीज़ें भी स्टार्ट करने वाले हैं जीएस के, जिसके माध्यम से आपका रिवीजन यहाँ पर बेहतर हो सके, और आप सभी भी यहाँ पर उसमें शामिल कैसे हो सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।